अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको माह इज़ाफ़त के एक और बहुत ही बेहतरीन से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इन खसूसी नशरियात को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपका ये माह मुबारक बहुत ही खूबसूरती के साथ जा रहा हो। वो कहती है कि खौफ खुदा देखना है तो मुसलमान का देख कि जो वज़ू का पानी मुँह में लेकर भी उसको पीता नहीं है। तो वो ये उसकी ईमानदारी है अपने रोज़े के साथ और इस खूबसूरत महीने के साथ। और यहीं पर ही मैं बताती चलूँ आगाज़ करने से पहले कि हमारे इस सेट की रौनक में इजाफा किया है जनाब सिब्रोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और हमारे बच्चों के साथ जिनसे भी थोड़ी देर में मैं मिलवाऊँगी आप सबको, उनके साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे तिफल की जानिब से, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और साथ ही साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे गोफी के भी, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल्क को। अब यहाँ पर ही प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बढ़ेंगे बच्चों की जानिब, और लेट्स सी कि आज के प्यारे और नन्हे मेहमानों ने हमें यहाँ हमारे सेट पर ज्वाइन किया है। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वो सही, आप सबको देख के ना रमजान वाली फील आ रही है कि हाँ भाई ये खूबसूरत महीना चल रहा है। प्रॉपर शलवार कमीज और वेस्ट कोट्स पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब। अब फैज़ुर रहमान आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। मैंने पता है क्यों पूछा है आपसे? क्योंकि अभी ना मैं इनसे इनके नाम पूछूंगी तो आपको मुझे क्या करना होता है इसमें? नाम रिकॉल करने होते हैं। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। चलिए जनाब सबसे पहले अपना नाम बताइए। हुसैन। हुसैन। अहमद। अहमद। तैमूर। तैमूर। अरसलान। अरसलान। जबरदस्त हो गया जनाब। अब मुझे जल्दी से ये बताएं कि आज किस किस का रोजा है आप में से? मेरा। अरे माशाल्लाह, और आपने क्यों नहीं रखा? मेरे पेट में दर्द थे, बाकी पहले वाले सारे रखे हैं। ओहो चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत दें, ठीक है, ताकि आप बाकी के रोजे अच्छे से रख सकें। और यहाँ पर बाकी सबके अच्छे से रोजे जा रहे हैं? Yes. मजा आ रहे? Yes. रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर रहे हैं? जी yes. जी बहुत खूब। अब यहाँ पर ही क्योंकि ये तो अभी हम बातों की जानी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हो लें इनकी तरफ से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अरे मैं फिट फॉर मगेरे। क्या बात है, आपका ये जुमला कौन सा ना, बस यही सुनने के लिए मैं आपकी तरफ आती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। ओके सुन लिया, अब मैं सो जाता हूँ। अच्छा बबलू प्लीज। रोजा लग रहा है। एक मिनट, आपका रोजा कैसा जा रहा है आज का, ये तो बता दे। अरे रोजा ना मेरा बारिश आ जाता है, बस ये जो आपका ये फैज है ना, ये तंग करता है मुझे। बबलू प्लीज, वो बिल्कुल तंग नहीं करता आपका। आप फिर से अपने लड़ाई में शुरू कर दे दोनों। ये मुझे कहता है रोजा तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। नहीं नहीं, वो इतनी दफा नहीं बोला, बस एक दफा कहा था। ये मैंने उनको ये कहा था कि ना अगर खा लेंगे तो रोजा, ज्यादा खा लेंगे तो रोजा टूटेगा। तो क्यों खा? मैं अपना खाता हूं। आप खुद ज्यादा खाएंगे तो आपकी गलती होगी, आपका रोजा टूटेगा। मैं खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। मैं आपका रोजा नहीं तोड़वाना चाह रहा, इसलिए मैं अच्छा ठीक है। यहाँ पर हम आप दोनों की इस लड़ाई को यहीं पर ही रोकते हैं, क्योंकि वक्त होता है एक अदद वक्फे का। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ गए ना तो ये बहुत सीन, हमारी ये सिचुएशन लंबी होती जाएगी। तो यहाँ पर वक्त होता है एक अदद छोटे से वक्फे का, तो जल्दी से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين माशाल्लाह। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तिलावत के साथ हम वक्फे से आ चुके हैं वापस, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माह ज़ियाफ़त। यहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत तिलावत हमने सुनी है तैमूर से, राइट तैमूर, सही नाम लिया मैंने?
ओके वेरी नाइस, तमोन ने हमें बहुत खूबसूरत तिलावत सुनाई और अभी हम मजीद आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कि कौन सा बच्चा हमें आज के एपिसोड में खूबसूरत नात सुनाने वाला है, क्योंकि तिलावत और नात हमारे हर एपिसोड में लाजमी है। और अब यहीं पर ही मैं बताती चलूँ कि जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर तोहमत लगाता है तो मानो कि उसने अपने सर पर बहुत भारी गुनाह का बोझ उठा लिया है। तो आज हम बात करते हैं ज़रा तोहमत पे कि अगर आप किसी इंसान पर तोहमत लगाते हैं, यानी कि उसने आप उसके ऊपर एक कैसे ऐसे काम का इल्ज़ाम लगाते हैं जो उसने नहीं किया, लेकिन आप उसको कह रहे हैं जबकि वो बेगुनाह है, तो इसका कितना बड़ा गुनाह है। और जब आप ये हरकत करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे किस कदर नाराज़ हो जाते हैं। और हम बच्चे मिलकर कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हम हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं या हमारे कज़न्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम खेल होते हैं, हम समटाइम ये हरकत उनके साथ भी कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारी पेंसिल ही आपकी पेंसिल नहीं है। हाँ, और हमें जबकि दुरुस्त बात का इल्म ही नहीं होता, राइट? और हम उसको, हमें पूरी बात का पता नहीं होता और हम बात जानने की तौफीक भी नहीं करते और हम डायरेक्ट खुद को चीज़ों को जज कर लेते हैं और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हमें ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें क्या करना है कि हमें पहले प्रॉपर बात को जांचना है कि दरअसल बात क्या है। हम क्या करते हैं कि दोस्त ने ये काम नहीं किया लेकिन हमें किसी ने कहा कि भाई उसने किया है ये, और हम क्या कहते हैं कि भाई तुमने ही किया ये हरकत, तुमने ही लड़ाई किया, तुमने ही ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पर रखी है। जब ना मैं, मेरा एक फ्रेंड नहीं था, उसने ना मेरी एक पेंसिल ली थी, तो फिर वो ना उसने कहा था कि, बल्कि इरेजर बोला था, इरेजर लिया था, पेंसिल ली थी, इरेजर थी, ठीक है, इरेजर थी शायद। ओके, तो इरेजर ना मेरे एक फ्रेंड पर इल्जाम लगा दिया, पर खाम उसने उठाई है। अच्छा, तो फिर मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। ओ, कुछ गलत कर दिया आपने, क्या गलत कर दिया? क्यों ना उसका कुछ ना उसके साथ कुछ गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? कि उसकी कोई चीज ले ली। अच्छा, आपने उसकी, उसने जब इल्जाम लगाया आपके दोस्त पर कि उसने इरेजर उठाई है, तो आपने फिर उसकी उठा ली? क्या थोड़ी देर के लिए आप बबलू बन गए थे? बबलू ये आपके वाला काम किया है कि नहीं किया फैजुर रहमान ने? हाँ, गलत चीजें सीख रहे हैं वो, अभी की बात नहीं कर रहे, वो कोई पुरानी बात बता रहे हैं स्कूल टाइम की, बहुत पहले ऐसा हुआ था, क्लास में था, छोटे थे जब अभी ये नशे में हो गया बबलू, अब वो टू ग्रेड में चले गए हैं। ओके प्लीज, हम इस बात पे पढ़ना चाहते हैं, ये बात अपने को समझा नहीं हो रहे, मेरे मिड टर्म थोड़ी हो रहे, मैं तो अभी पेपर काम कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल का काम कर रहे हैं, वो तो स्कूल का अभी उनके एग्जाम्स नहीं आए, वो अभी इस तरह से नहीं आगे बढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा है अभी तक कि हमें किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना। बोलता है वही करता है वो काम, जो बोलता है वही करता है वो काम। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं फैजुर रहमान, समझ जाइएगा जो जो समझ रहे हैं, ठीक है? वो काम वो ना कर रहा हो फिर जी, मैं कह रहा हूँ लिहाजा वो काम वो वही ना कर रहे हैं। और हाँ, फिर जब मैंने वो काम ना किया और हम कह दें कि तुमने किया, मुझे भी नहीं देखा था, फिर भी उन पे इल्जाम लगा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि बगैर बात को जाने हमें किसी पर भी इल्जाम और तोहमत नहीं लगानी है। अब यहीं पर ही हम हमारे शो को मजीद आगे लेकर बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से हुसैन की जानिब, क्योंकि वो हमें यहाँ पर अभी बहुत ही खूबसूरत सी नात सुनाने वाले हैं। जी हुसैन, बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, कदम अर्श पर है जमी पर है रोजा, जमी आसमां से सजी जा रही है, कदम अर्श पर है जमी पर है रोजा, जमी आसमां से सजी जा रही है, बुला लो इलाही मदीने में जल्दी, मुझे कमली वाले की याद आ रही है। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात यहाँ पर माशाल्लाह सुभानअल्लाह।
अब यहाँ पर ये वक्त होता है, यहाँ पर एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का, क्यों? क्योंकि वक्फा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वक्फे पर जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे शो पे जनाब रौनक लगाई और स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे तिफल के, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, और साथ ही साथ गोफी के गिफ्ट हैम्पर्स भी इनके साथ भेजे जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को करना है इम्प्रूव और यूज़ करना है गोफी ओट मिल को। यहीं पर ही लेते हैं एक अदद छोटा सा वक्फा वापस, जब हम आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा दस्तरखान हमारा सज चुका होगा। तो वक्फे के बाद मिलते हैं, देखते रहिए माहिर ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात। वेलकम बैक जनाब, यहाँ पर हम हमारी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माहिर ज़ियाफ़त। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबरोसो का दस्तरखान हमारा सज चुका है, क्यों? क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट, इनका मेन्यू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि एक वाइड मेन्यू है और बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। और यहीं पर ही मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, चंद लम्हे बाकी रहते हैं इफ्तार में, तो जल्दी जल्दी से हम शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, इफ्तार का वक्त अब बहुत करीब है, बबलू को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि नात हम सुन चुके हैं अहमद से, तो अब साथ ही आगे बढ़ते हैं हम अरसलान की जानिब। अरसलान, आप भी मैंने सुना है नात सुनाने वाले हैं हमें। यस, चलिए बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नात के साथ यहाँ पर समा बन चुका है, और अब हम जैसे कि हम सबको मालूम है कि आखिर में हम बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे फैज़ुर रहमान की जानिब, और देखते हैं कि आज हमें फैज़ुर रहमान क्या सुनाने वाले हैं। जी मिस्टर फैज़ुर रहमान, मैं अंबिया कराम के बारे में सुनाने वाले। क्या बात है जनाब, सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको अंबिया कराम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए। अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए 124,000 अंबिया कराम भेजे, उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले नबी हैं, बिल्कुल। उन्होंने जमीन पर सबसे पहले कदम रखा था। जी हाँ। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। जी हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज भी फैज़ुर रहमान ने हमें बहुत खूबसूरत बातें बताई कि हमारे पहले नबी कौन है।
और आखिरी नबी कौन है? और क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा जनाब, बहुत खूब। और यहाँ पर ही बस कुछ चंद मिनट रह चुके हैं इफ्तार को। दो मिनट रह गए हैं। चले फैजुर रहमान ने बगैर वक्त देखे हमें बता दिया कि दो मिनट रहते हैं। घड़ी पहनी हुई है, घड़ी में बताया। अच्छा, घड़ी ने इनको बता दिया कि भाई दो मिनट रहते हैं। फैजुर रहमान बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, ऐसा ही है। बहुत खूब। अब यहाँ पर हम सब मिलकर रोजा इफ्तार करते हैं। यकीनन आप सभी अपने घरों में अपने दस्तरखान को सजा कर बैठ चुके होंगे अपने घर वालों के साथ। और हमें ये याद रखना है कि हमें जो भी इबादत करनी है, जो भी दुआएं करनी है, हमें उसमें याद रखना है फलस्तीनियों को। बिल्कुल दुरुस्त। हमें हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों और उन मासूम और मजलूम बच्चों को हमें हमारी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते हैं। यहीं पर ही वक्त होता है आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। होपफुली आपने हमारे साथ मिलकर आज के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आपका आज का रोज़ा यकीनन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ ये भी कि अगर आप जो हमें बच्चे खूबसूरत से देख रहे हैं, अगर आप हमारे खुसूसी नशरियात में शामिल होना चाहते हैं और यहाँ पर माह ज़ियाफ़त के सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं और इन नशरियात का हिस्सा बन सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। जाते जाते मैं बताती चलूँ कि हमारे सेट को स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। और बच्चों के साथ गिफ्ट हैंपर जाएंगे तिफल के, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और साथ ही साथ गिफ्ट हैंपर जाएंगे गोफी के, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल को। यहीं पर ही आप सबसे लूंगी इजाज़त। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।